नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर, एक बहुत ही गंभीर विषय लेकर। हमारी माताओं बहनों में, स्त्रियों में, यानी कि औरतों में, फीमेल्स में क्या होता है, मुख्यतः दो तीन प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। पहली, मेंसेस की इरेग्युलरिटी, यानी पीरियड्स का इरेग्युलर आना, कभी बहुत जल्दी आ जाना, कभी माहवारी बहुत लेट आना, तो कभी बहुत लेट आना या फिर बीच में बहुत जल्दी आ जाती है, या 15-15 दिन में, 7-7 दिन में आते ही रहना, या यदि माहवारी आई तो लंबे समय तक चलते रहना, और हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर बहुत कम ब्लीड होना और बहुत ज्यादा दर्द होना माहवारी के समय पे, पेट में ज्यादा दर्द होना, पीछे ज्यादा दर्द होना, पेटू के नीचे ज्यादा दर्द होना, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है कई लोगों को, कई स्त्रियों को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है, पीठ में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, कमजोरी आने लगती है और सूजन आने लगती है क्योंकि खून की कमी होने लगती है, और चक्कर आने लगता है, मूर्छा आने लगती है, थोड़ा सा काम करने पर थक जाती है, हाफी भरने लगती है, और जो मूड स्विंग है वो भी होने लगता है, कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है। ये सब कारण होता है अनियमित माहवारी के कारण या फिर कष्टार्दव के कारण, जहां पर मेंसेस आने में यानी माहवारी आने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर हैवी ब्लीडिंग होने के कारण जिसमें लगातार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। और दूसरा जो इसका मैं आपको बताऊंगा, दूसरा जो इसका प्रकार है वो है ल्यूकोरिया, यानी श्वेत प्रदर, उसमें सफेद सफेद बहुत ही गंदला सा, सफेद सा दुर्गंध युक्त पदार्थ स्त्री की योनि से निरंतर गिरता रहता है, जिसके कारण उसके शरीर में कमजोरी आती जाती है, उसका दिमाग में चिड़चिड़ापन आता रहता है, और शरीर में कमजोरी आने के कारण काम करने में मन नहीं लगता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, दुबलापन आने लगता है, शरीर अंदर से खोखला होने लगता है। और तीसरा कारण है खून की कमी होना, या फिर बच्चेदानी की कमजोरी होना, या बच्चेदानी की कमजोरी और दूषित होने के कारण वहां पर फाइब्रॉइड विकसित होने लगते हैं, जिनके कारण भी हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसे यूटराइन फाइब्रॉइड भी कहते हैं। और बच्चेदानी की कमजोरी होने के कारण स्त्री जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, यानी बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है उसकी वो खत्म हो जाती। तो दोस्तों, आज इन तीनों चीजों को कैसे कंट्रोल किया जाए, चाहे वह श्वेत प्रदर हो, ल्यूकोरिया हो, मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, यूटराइन फाइब्रॉइड हो, और बच्चेदानी की कमजोरी हो, वीकनेस ऑफ यूटरस हो, और स्त्री के स्वास्थ्य में आई कमजोरी हो, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए मैं आपको एक विशेष प्रकार की दवा बताने जा रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है। इस दवा का नाम है दोस्तों प्रदरांतक लोह। देख सकते हैं आप, ये है बैद्यनाथ की प्रदरांतक लोह मेरे हाथ में, प्रदरांतक लोह। इसमें दोस्तों मिला क्या क्या होता है और इसका उपयोग क्या क्या है, ये आपको इस रैपर में, इस कागज में मिल जाएगा लिखा हुआ। एक साधारण उपयोग इन्होंने बताया है, इसमें इन्होंने मिलाया है शुद्ध हड़ताल, लोह भस्म, ताम्र भस्म, बंग भस्म, अभ्रक भस्म, कपर्दक भस्म, शंख भस्म, सौंठ, मरिच, पिप्पल, हरण, बहेड़ा, आंवला, बायबिडंग, चित्रक मूल, सेंधा नमक, संचर नमक, विड नमक, सामुद्र नमक, छब्य पिप्पल, और छोटी इलायची, देवदारू, विधारा। तो दोस्तों ऐसी चीजें इसमें मिलाई गई हैं जिससे औरत के अंदरूनी जो कमजोरी है वो तो खत्म होगी, साथ ही पाचन सही होगा, तो खाना ढंग से पचेगा, तो रस शुद्ध बनेगा, रस शुद्ध बनेगा तो उसका शरीर स्वस्थ होता जाएगा और खून की कमी पूरी होती जाएगी। खून की कमी पूरी होने से जो मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया में या माहवारी में ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होने के कारण खून की कमी आती है और उससे जो कमजोरी पैदा होती है वो ठीक होगी, साथ ही साथ उसका जो बच्चेदानी है, उसका जो प्रजनन तंत्र है, उसका जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनकी क्रियाविधि यानी उनकी फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, रक्त प्रदर और बच्चेदानी की कमजोरी, हैवी ब्लीडिंग होना, बहुत जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होना, बहुत जल्दी जल्दी माहवारी आना, या तीन तीन चार चार महीने में माहवारी आना, या बार बार गर्भपात, मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाना,
या गर्भधारण ही ना कर पाना, इन सभी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। अब इसको सेवन कैसे करना है, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि 1-2 टैबलेट ट्वाइस अ डे विद हनी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, इसकी जो टैबलेट है वो इस तरीके की निकलती है, ये इस तरीके की टैबलेट आती है प्रजातक लोग की, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, खाने के 1 घंटे बाद स्त्री को सेवन कराइए, और उसके साथ पुष्यानुक चूर्ण भी दे सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो, 1 चम्मच पुष्यानुक चूर्ण भी आप दे सकते हैं। आप नहीं देना चाहते तो केवल प्रद्रांतक लोह दीजिए, तो 2 गोली आपको प्रद्रांतक लोह और 1 चम्मच पुष्यानुक चूर्ण, या केवल 2 गोली प्रद्रांतक लोह आपको सुबह शाम 1 कप दूध में 2 रवे केसर 1 चम्मच शहद मिलाकर स्त्री को सुबह शाम सेवन कराना है। मैं विश्वास जताता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपने पेशेंट पे इसको यूज किया हुआ है, और दोस्तों 100% श्वेत प्रदर यानी कि ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, कष्टार्तव यानी जिसमें जो मेंसेस के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, या हैवी ब्लीडिंग होना, या बच्चेदानी की कमजोरी, ये सब चीजें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। पर इसके साथ धीरज रखना है आपको, आपको ये नहीं सोचना कि 2-4 दिन में ही फायदा हो जाएगा, नहीं दोस्तों। यदि लंबा रोग है थोड़े लंबे समय तक इसका प्रयोग करना है, 2-3 महीने इसका प्रयोग करना है, पहले ही माह से लाभ मिलेगा। और मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, और मांसाहार, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी जैसी चीजें नहीं खानी, मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल, भाजी, अनार, पपीता, सेव, और साथ में अखरोट, पिस्ता, बादाम जैसी अच्छी चीजें खानी है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और दवा का प्रभाव भी अच्छा रहेगा। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दवा अमेजन पे भी उपलब्ध है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप इसको बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही ज्यादा छूट पर आसानी से अपने घर बैठे बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल ऐसे ही नुस्खे, ऐसे ही दवाओं के रिव्यू पाने के लिए, और ऐसे ही चमत्कारी नुस्खे जिनसे आप अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से है, रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी और 1 माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत 1 दिन पहले ही जमा करने पर, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है कि मैं आपको दवा भेजूं तब आप पैसा दें, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसकी मांग ना करें। 1 दिन पहले ही पैसे जमा करने पर दूसरे दिन मैं आपको दवा भेज के रिसीप भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हो कि दवा किस दिन कहां तक पहुंची। जनरली भारत में 5-8 दिन में दवा आपके घर पहुंच जाती है, उसी में प्रिस्क्रिप्शन रहता है जिसमें परहेज, दिनचर्या लिखी होती है तथा दवा लेने का तरीका लिखा होता है। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और दूसरा विकल्प दोस्तों, यदि आप समर्थ नहीं है कि मेरी दवाइयों का जो खर्च है वो वहन कर सकें, तो आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन फी मेरे अकाउंट नंबर पे, 500 रुपए मेरी प्रिस्क्रिप्शन फी है, मेरे अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए। और अपनी सीमा बता दीजिए कि सर मैं 500 से 1000 खर्च कर सकता हूँ, 1000 से 2000 खर्च कर सकता हूँ, इतने तक की आप दवाइयां लिख दीजिए, तो मैं उतनी ही सीमा के अंदर अच्छे से अच्छी दवा लिख के आपको भेजूंगा, जिससे आपको पूरी तरह आराम मिलेगा। हर महीने आपको प्रिस्क्रिप्शन फी जमा करनी है और अपना आराम मुझे बताना है, और उससे भी आपको विशेष फायदा मिल जाएगा, पूरी तरह आप ठीक हो जाएंगे। पर थोड़ा बहुत 1-2 महीने ज्यादा लग सकता है मेरी दवाइयों के प्रभाव से, आपको 1-2 महीने पहले आराम मिल सकता है, पर सस्ती दवाइयां लिखने पर 1-2 महीने ज्यादा लग सकता है। पर ये बहुत अच्छा विकल्प है, बजट आपका कम रहेगा और आप पूरा लाभ पा सकते हैं, तो ये विकल्प आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों। तो जरूर आप इस प्रकार से मुझसे दवाइयां बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद, थैंक यू सो मच।